हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारा पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। सेल जो हमारी हम बोलते जो यूनिट थी जिसमें सेल एंड सेल साइकिल हमने पढ़ा, वहां पे एक टॉपिक हमने स्किप कर दिया था, वो था बायोमोलिक्यूल। रीजन ये क्योंकि एक्चुअली में वहां पे हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बायोमोलिक्यूल अचानक से बीच में इस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। या तो हम इसको स्टार्टिंग में बढ़ाएं ताकि हमें सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में मालूम हो, या फिर हम जब हम ये बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमारी क्या हो जाती है कि कंटिन्यूटी बैठ जाती है, तो उसके बाद में हम ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक उठाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें थोड़ा सा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कई सारी चीजें जो होती है ना उनको आपस में ले आता है एक साथ में, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स के बारे में इसमें बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे बायोमोलिक्यूल को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और उससे पहले आप लोगों के लिए टिप कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए एनसीईआरटी पे और फोकस करिए टेस्ट पे, ठीक है। तो जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो नीट 2020 क्लियर करने के लिए आपके लिए यही दो चीजें हैं, अगर इनको कंटिन्यू फॉलो किया तो आप लोग नीट 2020 डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है बायोमोलिक्यूल। देखिए बायोमोलिक्यूल सबसे पहले किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि बायो जो है हम थोड़ा समराइज फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, क्रैश कोर्स के अंदर पूरा एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी गई हैं, और उनमें से कुछ एक टॉपिक जो हमारे हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेन करने के लिए होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअल में होता क्या है। स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं रहता है, इतना सब कुछ है बायोलॉजी में पढ़ने के लिए, तो उनको ध्यान नहीं रहता कि हमें कितना पढ़ना है नपातुला। तो सिर्फ वो नपातुला बताने के लिए ये हमारा सीरीज जो है वो चल रही है, तो आपको पता है कि आपको इतना ही पढ़ना है और इतने में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल किसे बोलते हैं, मोलिक्यूल तो आप समझते हैं, हम ये चीज जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी मोलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं के बने होते हैं। हम जानते हैं ना कि एटम्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सभी क्या है एटम्स है, ये मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यही क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या बनाते हैं सेल बनाते हैं। सेल से फिर हम बोलते हैं कि वो इंटरेक्शन करके टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज इंटरेक्शन करके ऑर्गन, ऑर्गन इंटरेक्शन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो ये सो ऑन, फिर हम ये बोलते हैं कि बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होता है जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बॉडी फॉर्म होती है, और जिसमें हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी की बात करें और एनिमल किंगडम में अगर बात करें तो ह्यूमन जो है उसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। तो आप इस चीजों को आप मैं समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो कोई यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सभी मोलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम उन मोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोलिक्यूल्स तो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो बट हम उन मोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी लिविंग सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल शब्द के लिए अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो वो मोलिक्यूल जो किसी लिविंग सेल के अंदर फॉर्म होते हैं नेचुरली, उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर समझना चाहें तो आप प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी तो वहां पे पढ़ा कि प्रोटीन की बनी होती है, आपने पढ़ा लिपिड की बनी होती है, जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो भी प्रोटीन एंड लिपिड की क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है उससे कवर रहते हैं, कुछ यूनिट सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं तो कुछ डबल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन एंड लिपिड क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स ही है। इसके अलावा हम लोग जब पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम ये बोलते हैं कि एनर्जी देने वाले, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देने वाला सबसे बड़ा हमारे हमारे सेल के अंदर बोलिए या फिर बॉडी के अंदर बोलिए तो सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी क्या होता है बायोमोलिक्यूल ही है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए जिनकी वजह से जेनेटिक कैरेक्टर जो है हम ये बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम बोलते हैं कि ट्रांसफर होते हैं, और या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो डेवलप होते हैं किसकी वजह से, न्यूक्लिक एसिड की वजह से, तो ये डीएनए और आरएनए जो है ये भी क्या है, ये भी बायोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। तो हमने बायोमोलिक्यूल किसको बोला है कि ये ही वो मोलिक्यूल्स जो किसी सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन से इन मॉलिक्यूल्स को हम समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमने कोई लिविंग सेल का कोई भी लिविंग सेल लिया या फिर कोई टिश्यू जो है वो उसको लिया या फिर कोई भी एक हम ये बोल देते हैं कि सैंपल के तौर पे हमने किसी सेल को टिश्यू के किसी हिस्से को या फिर किसी प्लांट अगर हमने लिया है तो प्लांट के किसी लीव के हिस्से को लेकर हमने उसको लिया और उस पर्टिकुलर टिश्यू को या फिर सेल को हमने क्या किया
क्रश किया मोटर के अंदर, ठीक है, किसके साथ में क्रश किया, TCA के साथ में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में। जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में उसको क्रश किया एकदम अच्छे से उन टिश्यूज को, उन सेल को, तो क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे थे जो क्या हो गए उस TCA के अंदर, हम बोलते हैं सोल्यूबल थे तो उनके अंदर घुल गए वो, और कुछ ऐसे थे जो सोल्यूबल नहीं थे। तो अब ऐसा जानने के लिए क्या करते हैं, हम उनको छानते हैं। जब छानते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिल्टर, फिल्ट्रेट जो होता है, जो फिल्टर हो जाता है उसके अंदर वो हमारे पास में लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है। जबकि अगर छानने के ऊपर जो हमने फिल्टर पेपर लगाया उसके ऊपर जो भी हमें मिलता है, जो भी बच गया है, उसको हम बोलते हैं कि वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है। तो हमने जब उसको TCA के साथ में किसी भी सेल या टिश्यू को जब हम क्रश करते हैं तो हमें दो तरह के फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, एक एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, एक एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होते हैं इन सबको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, जबकि जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि बायोमोलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ एसिड सोल्यूबिलिटी हम उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोमोलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो माइक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं या फिर मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल हमने किसको बोला, वो जो कि प्रेजेंट थे किसमें, एसिड के अंदर, सोल्यूबल कंडीशन के अंदर, ठीक है, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर जो क्या हो गए थे, डिसॉल्व हो गए, उनको हमने बोला है माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो हमने बोला जो डिसॉल्व नहीं हो पाए उनको हमने बोला है मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर जाए कि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो माइक्रोमोलिक्यूल के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एक्चुअल में 1000 डाल्टन से कम होता है, ठीक है। तो वो जितने भी मॉलिक्यूल जो किसी सेल में प्रेजेंट है और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है उनको बोला जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल, और वो सभी मॉलिक्यूल जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है उनको बोला जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। यानी कि दो तरीके से आप माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल। अब एग्जाम्पल देखिए कौन से है माइक्रोमोलिक्यूल और कौन से है मैक्रोमोलिक्यूल। तो देखिए एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड जो है ये क्या होते हैं, ये माइक्रोमोलिक्यूल। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं सिंपलर शुगर की, यानी कि मोनोसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है, मोनोसेकेराइड जो है वो भी क्या है आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम अभी एसिड सोल्यूबल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर से मैं एक बार लिक्विड को हटा देती हूँ, मैं लिक्विड को इसके अंदर काउंट नहीं कर रही हूँ। तो एमिनो एसिड जो है वो है मोनोसेकेराइड्स है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो कि एक्चुअल में हम बोलते हैं कि यूनिट होती है किसकी, आपके डीएनए और आरएनए की हम बोलते थे कि स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हो, आपकी उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसी, उसका मोनोमर हम बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है जिसको डीएनए या फिर आरएनए बोला जाता है उसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक चेन फॉर्म करते हैं जिसको हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी न्यूक्लियोटाइड वर्ड है आप लोग सब फैमिलियर है, जैसे साइंस आप लोग सब पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वैसे आप जानते हैं, बट मैं वर्ड बता रही हूँ आपको कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम किसको रख रहे हैं, हम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की बात करें तो प्रोटीन्स जो है वो क्या है, एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब हो गया जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इनके दोनों को कंपेयर करें वेट वाइज तो ये बिल्कुल ये सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल ही है, ये मैक्रोमोलिक्यूल, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लिपिड के ऊपर आता है, इसीलिए मैंने फेवर यहाँ से काटा है। रीजन ये क्योंकि लिपिड जो होता है वो एक्चुअल में हमें जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है उसमें मिलते हैं, बट अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो वो मॉलिक्यूलर वेट इनका आता है 800 डाल्टन तक, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इनका वेट तो कम है तो ये माइक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए, बट इनका माइक्रोमोलिक्यूल इस फ्रैक्शन में आने की वजह से माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे तो वो गलत होगा। तो लिपिड एक्चुअल में माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में वो क्यों आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लिपिड जो होता है वो मेनली हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बायलेयर कंडीशन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये पढ़ा है ये चीज। जब ये हम किसी सेल को या टिश्यू को जब हम क्रश करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है, बट जब ये सेल मेम्ब्रेन टूटती है तो ये लिपिड की लेयर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये क्या करते हैं, वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से, राउंड वेसिकल, यानी कि ये छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म होने की वजह से उस वेसिकल के अंदर कई सारे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, बट वो क्या होता है कि वो सेपरेट नहीं हो पाते, वो वेसिकल फॉर्म कर लेने की वजह से वो हमेशा इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमें मिलते हैं। बट अगर लिपिड के मॉलिक्यूल के वेट के बारे में बात करेंगे तो वो 800 डाल्टन होता है, इस वजह से हम उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में इसमें मिलता है हमें, लेकिन होता वो माइक्रोमोलिक्यूल है, तो ये क्लियर कट।
आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे बात, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह के बायो मोलिक्यूल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्लियर हो गया आपको माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल के बारे में। अब देखिए ये जो बायो मोलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, हम इनको ये एक्चुअल में क्या रहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन होती है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब हो गया जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक प्रोसेस को अगर हम समझे तो जैसे कि प्लांट्स के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 जो है वो वाटर के साथ में मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टली ऐसे जो भी हम बोलते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है इनको हम ये बोलते हैं कि मेटाबोलाइट्स भी बोला जाता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट बॉडी के अंदर, इनको मेटाबोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेटाबोलाइट जो है ये दो तरह के हैं, एक डेफिनेशन तो मैं आपको दे ही हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोला गया, जो कि प्राइमरी मेटाबोलिज्म यानी कि जैसे कि रेस्पिरेशन, एमिनो एसिड मेटाबोलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म, इन सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एमिनो एसिड्स जो है, शुगर है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं, तो ये सभी जो है ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। यानी कि वो सभी जो किसी लार्ज मोलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, राइट। अब जैसे कि ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड के साथ में मिलकर हम ये बोल देते हैं कि वो ट्राइग्लिसराइड जो है हायर टाइप जो लिपिड है उसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो ग्लिसरॉल है। इसके अलावा नाइट्रोजन बेस, जैसे कि नाइट्रोजन बेस जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन बेस हम बोलते हैं कि शुगर के साथ में मिलकर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड बिल्कुल एक तरह के लिपिड ही है, एक लिपिड का ही टाइप है। तो ये सभी जो है एक्चुअल में क्या है, ये हम बोलते हैं कि नॉर्मल प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, तो इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि ये हम प्लांट, ये प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं, या रिप्रोडक्शन किसी हम बोलते हैं एक्टिविटी का ये पार्ट नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट में मॉडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जैसे कि ये एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि किसी और के लिए काम आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्केलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, ये सभी प्लांट के अंदर है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्लांट की खुद की ग्रोथ या डेवलपमेंट में तो कोई यूज नहीं है इनका, बट इनका यूज जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, इन सबका यूज हम करते हैं, राइट। तो कलर पिगमेंट, सैंड, गम्स, स्पाइसेस, ये सभी जो है इनका यूज हम कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल है, बट जिसमें ये बन रहे हैं उनके खुद के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहते, ठीक है। तो इस तरीके से मेटाबोलाइट्स जो कि मेटाबॉलिक हम बोलते हैं रिएक्शन, जो चाहे कैटाबोलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन हो, उनमें पार्ट लेने वाले जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका रिजल्ट जो होता है वो सभी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। बट ये दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, इसलिए इसको मैंने पहले आपको बता दिया। चलिए अभी देखिए कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसकी एक टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसको मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बायो मॉलिक्यूल के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे कि पिगमेंट्स के बारे में पूछा जाए ना, तो पिगमेंट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या है, इनमें से कौन कितने जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट्स है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एल्केलॉइड्स में जैसे कि मॉर्फिन है, और ये टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ये एक्चुअल में लिपिड के ही टाइप है। तो ये क्या है, ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एसेंशियल ऑयल के अंदर जैसे लेमन ग्रास ऑयल है, तो रिसीन ये जो कि टॉक्सिक है, तो टॉक्सिन्स है ये। लैक्टिन्स के अंदर कॉन्टावेलिन ए, ड्रग्स के अंदर देखो विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन ये जो है, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के अंदर रबर, गम, सेलुलोज, ये सभी जो है ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ नहीं जाते इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एसेंशियल ऑयल का, या तो ऐसे पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि मैच द कॉलम, देन आपको फोर आपको दे दिया पिगमेंट, एथिलोइड, टर्पेनॉइड, उधर में से कोई भी एक एग्जाम्पल ऊपर नीचे करके लिख दिया, देन आपको क्या करना है, आपको कॉलम को मैच करना है। तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको लर्न करना है, ये आपको याद करना है पूरी की पूरी टेबल को, क्लियर। तो ये थोड़ा लर्निंग है इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है ये, तो इसमें एक्सप्लेन क्या करें। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम बात करेंगे सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में, कि अमीनो एसिड क्या है। देखिए अमीनो एसिड जो होते हैं एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि ये मोनोमेरिक यूनिट होती है प्रोटीन की, यानी कई सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन फॉर्म करते हैं।
क्या सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्म करते हैं? देन आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि देखिए नेचुरली हम ये बोलते हैं कि 300 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, बट उसमें से ओनली 20 अमीनो एसिड ही ऐसे हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? सभी के सभी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या प्रोटीन अमीनो एसिड के, क्या सभी प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं? आंसर क्या होगा? यस, सभी के सभी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के बने होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड जो है, मान लीजिए ये 1, ये अमीनो एसिड 2, ये अमीनो एसिड 3, इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअली एमाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं, क्या सभी के सभी अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्ट लेते हैं? आंसर नहीं, सभी के सभी पार्ट नहीं लेते। अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसी होती है। देखिए अमीनो एसिड के अंदर वही एक हम ये बोलते हैं किरल कार्बन होता है, जिसको जिस पर जो है चारों उसकी वैलेंसी जो है वो अलग अलग हम ये बोलते हैं ग्रुप से सेटिस्फाइड रहती है। जैसे कि यहाँ पर है एक अमीनो ग्रुप, ये है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एंड एक आर साइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। किस तरह की साइड चेन है उसी प्रकार अमीनो एसिड का टाइप डिसाइड होता है कि वो कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। अभी देखिए अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? अमीनो एसिड बोला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अल्फा अमीनो, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन लिखा है। रीजन, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। और ये कैसा कार्बन है? किरल कार्बन है। नाउ क्वेश्चन, क्या सभी के सभी अमीनो एसिड में किरल कार्बन प्रेजेंट होता है? देन आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जिसके अंदर आर जो ग्रुप है वो सेटिस्फाइड रहता है, ये जो है हम ये बोलते हैं कि रिप्लेस रहता है बाय हाइड्रोजन। क्योंकि दो हाइड्रोजन आ गए, अलग अलग वैलेंसी नहीं होकर एक ही सेम ही ग्रुप से ये जो है वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, देन इसको हमने बोला ग्लाइसिन, तो ये किरल कार्बन नहीं है, एक्सेप्शन है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अमीनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर यही रहती है, क्लियर है आप लोगों के दिमाग में इस स्ट्रक्चर को? अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि अमीनो एसिड जो होते हैं ये ड्यूटेरियन आयन के रूप में होते हैं, एम्फीटेरिक मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है एम्फीटेरिक मॉलिक्यूल, ड्यूटेरियन आयन? आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जानते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्यूशन के अंदर हमें बोलते हैं एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम ड्यूटेरियन आयन बोलते हैं, राइट, ये चीज बोलते हैं। अब मान लीजिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर लेके आया, जहां पर क्या है, अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। सॉल्यूशन के पीएच हम ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल पीएच है, इस पीएच के ऊपर ये कंडीशन रहती है, एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब मान लीजिए पीएच जो है वो गिर गई, पीएच गिरने का मतलब क्या हो गया? एच प्लस आयन जो है इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, एच प्लस आयन की क्वांटिटी बढ़ी बट पीएच में क्या हुआ? फॉल, गिर गई ना, पीएच जो है कम आ गई, 7 से कम है। इस कंडीशन के अंदर जब सॉल्यूशन जो है अभी क्या हो गया? एसिडिक हो गया, तो ये अमीनो एसिड जो है ये बेस की तरह फंक्शन करेंगे। बेस की तरह फंक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि इनका जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन्स है उनको एक्सेप्ट कर लेगा, COOH ऐसे हो जाएगा, सी एन एच और ये है R और यहाँ पे है NH3, यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या रहा? पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, ठीक है। बिहेव किसकी तरह किया इन्होंने? बेस की तरह बिहेव किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटोन को, है ना। जो तो यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं कब? जब पीएच कम है, ठीक है, तो बेस की तरह बिहेव किया। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर ये पीएच जो है बढ़ जाए, पीएच बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटोन जो है वो कम हो गए, और ओवरऑल चार्ज क्या रह जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो इनके अमीनो ग्रुप है ये अपना प्रोटोन जो है वो इस सोल्यूशन के अंदर दे देंगे, तो यहाँ पे खुद ने बिहेव किया किसकी तरह? एसिड की तरह, ठीक है। और सोल्यूशन जो है वो कैसा है? बेसिक है, तो वही न्यूट्रल करने के लिए इन्होंने कंडीशन की। तो देखिए पीएच गिरती है, क्या होता है? पॉजिटिव बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पीएच बढ़ती है तो नेगेटिव चार्ज होता है, खुद एसिड की तरह बिहेव करते हैं, प्रोटॉन जो होता है उसको डोनेट करते हैं,
या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसिड एंड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि एमिनो एसिड जो है वो क्या है, वो ड्यूटेरियन आयन होते हैं और हम ये बोलते हैं कि एम्फीटेरिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, यानी एसिड एंड बेस दोनों की तरह। अभी देखिए अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं, तो देखिए आप ये जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें किरण कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एक क्वेश्चन बस आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि अमीनो एसिड, क्या अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सभी के सभी? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है उसके पास में किरण कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड में ना ही लेफ्ट साइड के अंदर रोटेट कर पाता है। तो इस वजह से हम ग्लाइसिन क्योंकि एक्सेप्शन है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे अल्फा जो है वो कंडीशन लिखी कि अल्फा कार्बन होते हैं, तो क्वेश्चन क्या सभी एमिनो एसिड के अंदर सभी एमिनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, है ना? अभी अल्फा कार्बन है तो हम क्या बोल रहे हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड बोल रहे हैं, तो क्या सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड है? देन आंसर क्या होगा? नहीं, सभी अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड नहीं होते। रीजन ये, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते बट वो बीटा गामा डेल्टा ऐसे एप्सिलॉन जो है एमिनो एसिड हो सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं लाइसिन आपको बताती हूँ। लाइसिन के अंदर क्या होता है कि जो हम ये बोल रहे हैं कि ये आर जो चेन होती है वो एक्चुअल में होती है CH2 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 एंड यहाँ पे हम बोल देते हैं ये है NH3, ठीक है। लाइसिन के अंदर होता है एंड ये आपका C वही COH- NH3 प्लस NH। अब देखिए यहाँ पर ये लगा है NH3 इसको हमने बोला है अल्फा, लेकिन अगर ये यहाँ लगा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा। अगर यहाँ लगा होता तो गामा, देन यहाँ लगा होता तो डेल्टा और यहाँ लगा होता तो एप्सिलॉन। ये लाइसिन है, मैं लाइसिन के अंदर ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि हम लोग तो पढ़ेंगे 20 अमीनो एसिड ही, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अल्फा अमीनो एसिड ही नहीं होते हैं सभी, बीटा गामा डेल्टा ऐसे अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है बीटा गामा अमीनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते तो हम इन अमीनो एसिड के बारे में सुनते भी नहीं है ना हम इनके बारे में पढ़ते हैं। बट वो जो स्टेटमेंट है उसको क्लियर बताने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर ये अमीनो ग्रुप यहाँ जुड़ा होता तो हम इसको बीटा अमीनो एसिड बोलते हैं, यहाँ जुड़ा होता तो हम इसको गामा, यहाँ जुड़ा होता तो डेल्टा, यहाँ जुड़ा होता तो एप्सिलॉन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप जहाँ जुड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड की नेमिंग करते हैं, अल्फा बीटा या जो भी, ठीक है। पर जितने भी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं वो सभी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, बस ये याद रखिए, ठीक है। सारे 300 के 300 अल्फा अमीनो एसिड नहीं है, केवल जो वो 20 है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट ले रहे हैं वही अल्फा अमीनो एसिड है, सिर्फ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। क्लियर हो गया आप लोगों के माइंड में स्टेटमेंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अभी मिल गई है, थोड़ा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अब वही कौन से ऐसे हैं, प्रोटीन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। वैसे 20 वाला एंड 20 फर्स्ट दो और भी हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है वो केवल 20 के बारे में बोल रही है तो आपको आंसर 20 अमीनो एसिड ही करना है। वैसे दो और होते हैं सोलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये सोलेनोसिस्टीन 20 फर्स्ट है और पायरोलाइसिन 20 सेकेंड है। ये एक्चुअल में स्टॉप कोडोन जो होते हैं, कभी कभी स्टॉप कोडोन जो है वो भी अमीनो एसिड को कोड कर देते हैं समटाइम, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम सोलेनोसिस्टीन को 20 फर्स्ट एंड पायरोलाइसिन को 22 कहते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपको इस चीज को स्किप करनी है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में पार्ट नहीं ले रहे, जैसे कि ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन यूरिया साइकिल के अंदर जो है ये फॉर्म होते हैं, ये भी अमीनो एसिड ही है। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी क्या है, हमें बोले अमीनो एसिड ही है। हिस्टामिन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस जिसकी वजह से होती है ना, तो ये हिस्टामिन जो है ये क्या है, ये भी अमीनो एसिड है, बट ये है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। चलिए नाउ प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड ही, उसकी बहुत ही खूबसूरत सी लिस्ट हम लोग लेके आए हैं बताने के लिए आपको। देखिए ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, ये सभी क्या है, ये नॉन पोलर साइड चेन वाले हैं। आप इसको याद कर सकते हैं गावली PMFW, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप इनके सिंपल याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। एफ से फिनाइल एलानिन होता है, कुछ
कुछ वर्ड में डिफरेंस है, क्योंकि फिनाइल भी पी से है, फ्लोरोलिन भी पी से है, ठीक है। इस वजह से कुछ को तो उनके अल्फाबेट के हिसाब से रख दिए गए, उनके जो सिंबल यूज किए गए, और कुछ के अंदर क्या किया गया, कुछ अगर उसको बोलने में अगर कोई साउंड क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से उनके जो नेमिंग है वो कर दी गई है, ठीक है। तो फिनाइल एनामिन जो है वो एफ से आता है। इसके अलावा पोलर साइड चेन वाले जो है, इसके अंदर भी हमारे पास में दो कंडीशन है। एक तो क्या है आपके भाई, हमें बोल रहे हैं कि जो अनचार्ज है, और दूसरे जो है वो चार्ज है। अब अनचार्ज में कौन कौन से आ जाते हैं, अनचार्ज में आ जाते हैं एस टी सी एन क्यू वाई, ठीक है। एस से सेरीन, टी से थ्रियोनिन, सी से सिस्टीन, एन से भी क्या आ जाएगा, एन से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये है एस्पारजिनिन, ठीक है, एस्पारजिनिन के लिए एन यूज होता है। क्यू से फिर आ जाएगा ग्लूटामिन, एंड वाई से आ जाएगा टायरोसिन, ठीक है। तो ये सिंबल याद रखिए, वाई का मतलब होता है टायरोसिन, तो आपको ऐसे याद हो सकता है एस टी सी एन क्यू वाई। अगर सिंबल याद रखते हैं तो इतना सा याद रखना पड़ेगा, अपने आप नेमिंग बता पाएंगे। जो वो जिनके अंदर चार्ज होते हैं, यानी पोलर साइड चेन है बट चार्ज है। पोलर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर एलिफेटिक चेन्स प्रेजेंट है सबके अंदर, इसीलिए नॉन पोलर बोला है। पोलर के अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, यहाँ सल्फर है, यहाँ आपस बोले हाइड्रोक्सिल है, तो इस तरीके से पोलरिटी प्रेजेंट है, बट ये चार्ज नहीं है, ये सारे चार्ज है। अब चार्ज में भी दो है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज जो है जिनको हम बेसिक बोल रहे हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा एमिनो जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो कौन से हमें बेसिक, बेसिक के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो आ जाते हैं उसके अंदर आएगा आपके पास में एस आर के, तो सबको याद होगा है ना, शाहरुख खान का शॉर्ट फॉर्म है एस आर के। अब यहाँ पे के आर एच आपको याद रखना पड़ेगा, एच आर के, सॉरी एच आर के, एच आर के, ठीक है। एस आर के सबको याद है, एच आर के। एच से आ जाएगा आपका हिस्टिडिन, आर से आ जाएगा आर्जिनिन, के से आ जाएगा लाइसिन, ठीक है। और अगर बात करते हैं एसिडिक की, तो एसिडिक के अंदर हमारे पास में सीधा सिंपल है डे, कोई चीज को देने के लिए कहते हैं ना डे, तो डे, तो डी से आ जाएगा एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, ई से आएगा ग्लूटामिक एसिड। ये सिंबल्स हैं जो यूज आते हैं एमिनो एसिड के लिए। ये सिंबल्स अगर आप याद कर लोगे तो इनको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, सिंबल से ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपकी 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो पार्ट लेते हैं किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में। बट इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कौन कौन से इनमें से एलिफेटिक है, कौन से इनमें सल्फर कंटेनिंग है, कौन से इनमें से एरोमेटिक है, कौन से इसमें से एसिडिक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट वाले कौन से आपके, यानी एल्कोहल जिसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये आ गया आपका एल्कोहल है, यहाँ पे एल्कोहल है, यानी कि सेरीन है, थ्रियोनिन। बट याद कैसे करेंगे, चलिए याद करवाते हैं आपको एमिनो एसिड। अभी आ जाते हैं टाइप ऑफ, तो सबसे पहले बात करते हैं अबंडेंट एमिनो एसिड। अबंडेंट का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आपको एक शब्द याद रखना है स्केल, जैसे स्केल शब्द आप याद रखेंगे आपको याद हो जाएंगे एमिनो एसिड। कैसे, एस से क्या आता है सेरीन, ठीक है। के से क्या आ जाता है आपका लाइसीन। ई से क्या आ जाता है, देखिए ई से आ जाता है ग्लूटामिक एसिड, डे में बताया था ना ई आ रहा है, तो ग्लूटामिक एसिड। और एल से क्या आ जाएगा ल्यूसीन। तो स्केल जो है वो क्या है, वो अबंडेंट एमिनो एसिड है, और इनमें भी सबसे ज्यादा क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ल्यूसीन होता है, ठीक है। रेयर एमिनो एसिड यानी जो कभी कभी प्रोटीन के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये प्रोटीन में ज्यादा मात्रा में मिलते हैं स्केल, ये प्रोटीन में कम मिलते हैं। याद रखना है क्या, उल्टा सीधा एक समान, एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू ना, एम ऐसे लिखा डब्ल्यू, एमडब्ल्यू से याद कर सकते हैं। एम से आता है मिथियोनिन, W से आता है ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफेन तो सबसे ही कम मिलता है, रेयर कंडीशन में ट्रिप्टोफेन मिलता है, ठीक है। इन दोनों में भी सबसे रेयर कौन, ट्रिप्टोफेन, W, ठीक है। तो रेयर एमिनो एसिड MW, एक शब्द याद किया याद हो जाएगा, मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं एसेंशियल, यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड किसको बोलते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होते हैं जिन, हम ये बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिनको हमें बाहर, हम बोलते हैं डाइट के थ्रू हमें जिनको लेना पड़ता है, अपने एमिनो एसिड को हम बोलते हैं एसेंशियल। फिर एक बार आता है सेमी एसेंशियल, यानी वो जो कम मात्रा में बनते हैं और उनको भी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। बच्चों के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कुछ मात्रा में मिलता है, बाकी बाहर से दिया जाता है। नॉन एसेंशियल वो एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं, उनको हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती डाइट के थ्रू लेने की, ठीक है। तो देखिए एसेंशियल में आ जाता है एफ डब्ल्यू टी वी मिल्क, ठीक है। तीन शब्द उससे याद रह जाएगा, एफ से आपको मालूम है फिनाइल एलानिन, W से आपको मालूम है क्या होता है ट्रिप्टोफेन, T से क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे T वर्ड आया है, T आता है फॉर द थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। B से आ जाएगा वेलिन,
एम से मिथियोनिन, आइसोल्यूसीन ल्यूसीन, एंड के से आएगा लाइसीन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे याद रख सकते हो थ्रियोनिन से टी है, टायरोसिन भी एक और है लेकिन टायरोसिन वाई से होता है। ठीक है, तो FWTB मिल्क, ये तीन शब्द याद किए, एसेंशियल आपको याद हो जाते हैं। सेमी एसेंशियल के अंदर RH, RH एंटीजन याद रहेगा, वैसे RH, RH का मतलब R से कौन आ जाता है आपका ऑर्जिनिन, और F से हिस्टिडिन, दोनों के दोनों बेसिक होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो इनमें एक्स्ट्रा क्योंकि अमीनो ग्रुप होता है, तो ये हो गया सेमी एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल में इन सबको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बच गए 20 में से वो सभी क्या है, अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक में देखिए FWY, अभी एरोमेटिक को एक और लाइन से याद रख सकते हो, एक लाइन होती है एरोप्लेन में टीटी, एरोप्लेन में टीटी, इसे याद रख सकते हो। तो देखो एरो से बना एरोमेटिक, ठीक है, प्लेन आया ना प्लेन, प्लेन से बना क्या, फिनाइल एलानिन, FWY याद रखो। ठीक है, या फिर आप इसको याद रख सकते हो, ये इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, एरोप्लेन प्लेन से बना फिनाइल एलानिन। एक टी से तो क्या बनता है ट्रिप्टोफैन, और एक टी से बनता है टाइरोसिन, बट जो टी से एक्चुअल होता है थ्रियोनिन वो यहाँ पर नहीं है, तो ये टीटी जरूर पर यूज कर रहे हैं, बट उस टी को छोड़ देना है यहाँ पे, जो थ्रियोनिन के लिए टी था, उसके अलावा वाले जो तीन दो टी से जो अमीनो एसिड आ रहे थे, एक तो ट्रिप्टोफैन और एक टायरोसिन, उसका मतलब यहाँ पे टीटी से है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें या फिर ऐसे याद रखें आपकी मर्जी है, ये तीनों एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक, एलिफेटिक में तो सिंपल ही है, गावली, गावली जो है ग्लाइसिन एलानिन वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ये क्या है एलिफेटिक है, इनमें जो आर साइड चेन होती है वो एलिफेटिक चेन से जो होती है वो रिप्लेस रहती है। हेट्रोसाइक्लिक में याद रख सकते हो पीएच, पीएच वर्ड तो है बड़े फैमिलियर है, एसिडिक कंडीशन के लिए हम लोग वो एसिडिक या बेसिक जो है सॉल्यूशन का बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीएच स्केल को। तो देखिए पीएच, पी से क्या आ रहा है प्रोलिन, पी सिंबल प्रोलिन के लिए होता है, एच सिंबल होता है हिस्टिडिन के लिए, तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कौन आता है पीएच, क्यों आता है, जो पी होता है ना ये एलिफेटिक चेन नहीं होती है, इनके अंदर जो आर साइड चेन होती है वो एक्चुअल में इन्हीं के खुद के एमिनो ग्रुप के साथ में जो रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, तो साइक्लिक जो होता है हम बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है प्रोलिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी एग्जांपल को कई बार पूछते हैं। ठीक है, हिस्टिडिन एक अनदर एग्जांपल और है। ठीक है, चलिए नाउ आगे एसिडिक, एसिडिक तो बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया है, दे यानी कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में एचआर के यानी हिस्टिडिन आर्जिनिन एंड टायरोसिन सॉरी लाइसिन। चलिए सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग तो दो ही है, एक तो मिथियोनिन है और एक सिस्टीन होता है। ठीक है, तो सिस्टीन और मिथियोनिन याद करने के लिए सिंपल वर्ड सीएम है ना, सीएम शब्द तो याद रह सकता है, किसी भी जगह का आप लोग पढ़ते हैं सीएम कौन है, तो सीएम वर्ड याद रहेगा, तो सी से सिस्टीन एफ से मिथियोनिन। इमीनो ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है, उसके लिए एग्जाम्पल है प्रोलीन। ठीक है, तो प्रोलीन दो चीजों के लिए याद रखिए, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और एक इमीनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप एमाइड के लिए है हमारे पास में एन क्यू, यानी कि एस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामिन जो है वो में एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एल्कोहल के अंदर आ जाते हैं एसटी। अब इसके लिए एक लाइन याद रख सकते हो, एल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, सीरियस वर्ड आता है उससे आ जाएगा सैरिन, सीरियसली थ्रेटनिंग है ना, तो थ्रेटनिंग वर्ड से टीएच आ रहा है और यहाँ पे सर आ रहा है, तो इससे बना सैरिन और थ्र से बना थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये लाइन याद रख लीजिए, या तो अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, तो अल्कोहल कंटेनिंग कौन कौन से है सेरीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, तो क्वेश्चन अमीनो एसिड में इस तरीके से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ प्रोटीन, प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है, जो हम बोलते हैं एनर्जी सब नहीं देता है, बट ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाता है, सेल जो है उस सेल के अंदर हम ये बोलते हैं प्रोटीन जो है वो क्या कर रहा है, देखिए प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन हॉर्मोन की तरह फंक्शन कर रहा है, प्रोटीन एंजाइम फॉर्म कर रहे हैं, यानी प्रोटीन जो है वो कई तरीके से हम ये बोलते हैं, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का भी काम करता है, जैसे कि फाइब्रीन है या फिर फाइब्रोइन है, ये हमको कैराटीन है, ये सभी क्या है प्रोटीन है, जो फैदर में प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं, सिल्क जो है वो भी प्रोटीन ही है, और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन, प्रोटीन जो है वो हम ये बोलते हैं कि किसी डिफेंस मैकेनिज्म में भी फंक्शन करता है, इम्यूनोग्लोबिन ये एक्चुअल में क्या है प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है वो भी एक प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, वो भी क्या है एक तरह की प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है वो मल्टी टास्किंग है। ठीक है, कई तरह के काम कर रही है, एनर्जी नहीं देती है,
एनर्जी देती है, बट सबसे हम ये बोलते हैं सबसे लास्ट में जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। अगर हमारे मैटर हमारी बॉडी के अंदर बात किया जाए, अगर ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो कई तरह के फंक्शन कर रही है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, हम ये बोल रहे हैं कि वो डिफेंस में भी काम आ रही है। तो कई तरह की प्रोटीन होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है पहले उसको समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो देखिए प्रोटीन जो होती है वो एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि एमिनो एसिड उसका मोनोमर होता है और उसकी पॉलीमर चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तब हम बोलते हैं कि ये फॉर्म हो गया है क्या, प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो गया है। प्रोटीन का टाइप जो है वो डिसाइड करता है किस तरह की एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उसकी सीक्वेंस क्या है। हर प्रोटीन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस अलग अलग होती है, ठीक है, पहले तो ये याद रखिए। अगर आपको याद होगा सिकल सेल एनीमिया के अंदर डिजीज जो है जेनेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह सिर्फ ग्लूटामिक एसिड और वेलिन का जो चेंज होता है सिक्स पोजिशन में, उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। यानी कि हर प्रोटीन जो है उसके अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस हमेशा फिक्स रहती है। यानी कि कौन सा प्रोटीन है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे अगर ग्लाइसिन है तो वो हमेशा ग्लाइसिन ही होगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे अगर वैलिन है तो सेकंड पोजीशन पर हमेशा वैलिन ही होगा। यानी कि मान लीजिए ये ग्लाइसिन है, ये वैलिन है, तो ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे वैलिन होगा। अगर यहाँ पर चेंज आ गया एमिनो एसिड के अंदर तो मान लीजिए म्यूटेशन हो गया और फिर हम ये बोलेंगे वो प्रोटीन का टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर उसकी वजह से डिजीज डिसऑर्डर कुछ भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है मे बी वो प्रोटीन फंक्शनल ही ना रहे। तो हम प्रोटीन किसको बोल रहे हैं जिसमें एक स्पेसिफिक, और याद रखिए एमिनो एसिड की जो क्वांटिटी है ना वो भी फिक्स होती है कि कितने लंबे एमिनो एसिड की चेन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग हीमोग्लोबिन में पढ़ते हैं कि दो अल्फा दो बीटा चेन होती है, 146 हमें बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है एमिनो एसिड की चेन होती है, यानी कि एमिनो एसिड का नंबर भी उसमें क्या है फिक्स है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड की सिक्वेंस एंड नंबर ये भी क्या रहता है प्रोटीन के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी जो है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है इसकी फंक्शनैलिटी पर, उसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी याद रखिए एमिनो एसिड की पॉलीमर चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन के बारे में जनरली अगर हम बात करें तो इसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा बहुत अच्छा था। फिर हम ये बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड के बारे में बात करते हैं तो हमें दो प्रोटीन के बारे में सबसे ज्यादा वर्ड हम यूज दो याद करते हैं, जैसे कि एक तो कोलेजन प्रोटीन के बारे में आता है। तो कोलेजन जो है वो एक्चुअल में एनिमल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन। आप जितने भी अगर आप पढ़ेंगे, जब कनेक्टिव टिश्यूज आपने पढ़े थे तो वहां पे भी आपने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मैट्रिक्स पोर्शन के अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तब डेंस कनेक्टिव टिश्यू बन जाते हैं, कम होती है तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज बन जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जब हमने पढ़े तो वहां पे हमने इनके बारे में पढ़ा, तो कोलेजन फाइबर जो है मोस्ट अबंडेंट है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू भी अगर आप देखिए बॉडी के अंदर तो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आप इन चीजों को लिंक करके भी याद रख सकते हैं। रुबिस्को के बारे में बात करेंगे तो बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन जो है वो रुबिस्को है, क्योंकि रुबिस्को जो है ये एक वो एंजाइम है जो हम ये बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है। तो रुबिस्को एक्चुअल में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है रुबिस्को, एनिमल वर्ल्ड में कौन सी है कोलेजन होती है, ठीक है। इसके अलावा हेटरोपॉलीमर एंड फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड, बिल्कुल प्रोटीन जो होती है वो कभी होमोपॉलीमर नहीं है, ऐसा नहीं है एलानिन 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 की एक लंबी चेन बन के उसको हमने बोल दिया प्रोटीन, ऐसा नहीं। प्रोटीन जो होता है वो हेटरोपॉलीमर होता है, उसमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड मिलकर एक हम बोलते हैं कि प्रोटीन की चेन जो है उसको फॉर्म करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चार फैक्ट्स हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने चार चीजों आपको बताया कि कुछ में भी चलिए। अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखिए, प्रोटीन कैसे फॉर्म होती है। तो मान लीजिए ये दो अमीनो एसिड है, ये हमने अपने ही तरीके से रख दिया है, जैसे कि ये तो क्या है, ये है एलानिन और ये है आपका ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, तो एक अमीनो एसिड मान लीजिए ये एलानिन फर्स्ट पोजिशन पे है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो एमाइड बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड किस वजह से फॉर्म होता है, डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन की वजह से ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से ये क्या बन गया, अभी डाइपेप्टाइड सॉरी ये जो है हम बोलते हैं कि डाइपेप्टाइड जो है वो सिचुएशन बनी। डाइपेप्टाइड क्यों बनी, क्योंकि इसके अंदर दो अमीनो एसिड है तो हमने उसको बोला डाइपेप्टाइड, ठीक है। अब देखो इसका ये NH2 जो टर्मिनल है इसको हमने N टर्मिनल बोलते हैं,
और COH जो टर्मिनल है इसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इसको एन टर्मिनल और इसको सी टर्मिनल बोला जाता है। अब क्वेश्चन कि पेप्टाइड बॉन्ड किसी भी हमें बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आप याद रखिए जितने एमिनो एसिड होते हैं हमेशा उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे इसमें कितने एमिनो एसिड है, दो, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, एक, ठीक है। अगर इसमें क्या होते तीन एमिनो एसिड का अगर कोई चेन होती तो उसके अंदर कितने बॉन्ड होते, दो, यानी जितने एमिनो एसिड होंगे चेन में उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन बनता है हमने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट मार्क करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए कुछ एग्जांपल जैसे कि डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं है, डाई वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर द एमिनो एसिड, कितने एमिनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, शब्द पे मत जाइए। पेप्टाइड वर्ड आते हैं हमें लगता है डाइपेप्टाइड यानी कि उसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, नहीं, डाइपेप्टाइड का मतलब उसमें दो एमिनो एसिड है। जैसे कि एस्पार्टिक जो आर्टिफिशियल शुगर होती है उसके अंदर दो एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानिन, इसको याद कर सकते हो डेफ डी एफ से, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड है, एक ही है। ट्राइपेप्टाइड भी होते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड मेथियोनिन एंड ग्लाइसिन, यानी दो कितने हैं ट्राइपेप्टाइड है लेकिन बॉन्ड कितने हैं, दो, ईएमजी, है ना, ईएमजी के अंदर कितने बॉन्ड है, दो। अभी अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, ये इसी सीक्वेंस के अंदर जुड़ते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। फिर देखिए पेंटापेप्टाइड यानी कि वो जिसके अंदर क्या है पांच एमिनो एसिड है बट बॉन्ड कितने हैं, चार। एग्जांपल है एंसिफिलिन या फिर एंड्रोफिन, नोने पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया यानी कि उसके अंदर कितने, नो, है ना, नो क्या हो गया उसके अंदर एमिनो एसिड है, इसके अंदर कितने हुए पेप्टाइड बॉन्ड, आठ। तो देखिए यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन जो है उसका एग्जांपल है। चलिए तो ये तो हो गया उसके बारे में बात, अभी आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अभी देखिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर चार तरह की हो सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरी, ठीक है। आप चारों स्ट्रक्चर जो पहले उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने किसको बोला, लीनियर जो अरेंजमेंट होता है यानी अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ये जो लीनियर अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है। तो जितनी भी प्रोटीन होती है उन सबकी प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर होती है, वो आगे सेकेंडरी टर्शियरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं बट सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या पता चलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से एक तो हमें कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है ये पता चलता है, ठीक है, किस तरह की प्रोटीन बनेगी, है ना, वो पता चलता है कि किस तरह की प्रोटीन है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर से हमें किस चीज के बारे में नॉलेज मिल रहा है। तो देखिए ये लीनियर अरेंजमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिल रही है, ये हमें बताती है कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजिशन पे प्रेजेंट है, किस तरह की प्रोटीन बनने वाली है, यानी कि प्रोटीन का टाइप भी जो है वो भी डिसाइड हो रहा है किसकी वजह से, प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से, क्लियर, याद रखिए। चलिए फिर आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी लीनियर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी ये फिर क्या करती है दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है और बॉन्ड बनाती है, अभी तो इनके खुद के बीच में कौन से बॉन्ड है, केवल एमाइड यानी पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट है, फिर ये क्या करती है और दूसरे बॉन्ड बनाती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको फॉर्म करती है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म कर सकती है कि ये पेप्टाइड चेन जो है इस तरह से अल्फा हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और इनके खुद के ही बीच में क्या बन गया है हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने मॉलिक्यूल के खुद के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही बना, तो इंट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर ही बने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है, राइट हैंडेडली कॉइल होती है। दूसरी इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ सकती है बीटा बीटेड शीट, अब बीटा जो शीट होती है उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा हमें बोले या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है और दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं बीटा पिटेड शीट। अब इसके अंदर तो ये भी कंडीशन दो तरह की हो सकती है यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, जैसे अगर एक चेन का ये सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है और यहाँ पे इसका दूसरी चेन का ये एन टर्मिनल और ये सी, दोनों सी टर्मिनल एक ही साइड में, तो ये क्या होगा कौन सा टाइप हो गया यूनि डायरेक्शनल। अगर यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एक चेन का यहाँ पे सी टर्मिनल है और यहाँ एन जबकि दूसरी जो चेन है उसका यहाँ एन टर्मिनल है यहाँ पे सी और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, हम बोल रहे हैं बीटा शीट, यानी बीटा शीट भी क्या हो सकती है दो तरीके की हो सकती है। अब देखिए टर्शियरी फिर किसको बोला है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है वो फंक्शनैलिटी के लिए होती है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो फंक्शनल होगी कि नहीं होगी, तो इसमें क्या होता है कि खुद ही एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो अपना अरेंजमेंट करके स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए ना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये कई तरह के बॉन्ड बना लेती है अपने बीच में,
यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी फॉर्म कर लेती है, ये वाटर वॉल बॉन्ड जो होते हैं है ना, जो इंटरेक्शन बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं वो बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, एलिफेटिक चेन अपने बीच में जो है वो डबल बॉन्ड बना लेंगी। सल्फर, जहां जहां अमीनो एसिड है वो सल्फर क्या करेंगे, वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे, राइट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड आयनिक बॉन्ड भी बना लेती है ना, क्योंकि इसके अंदर तो हो सकता है कि किसी पोजिशन पे आपको मिल जाए जो चार्ज मतलब एमिनो एसिड हो, तो वो क्या कर लेंगे एक दूसरे के बीच में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। यानी कई तरह के हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड रोपोल इस तरह के बॉन्ड बनाकर जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल में प्रोटीन की फंक्शनल कंडीशन को है ना उसको डिसाइड करती है, कि अगर इस स्ट्रक्चर में थोड़ा भी चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन फिर फंक्शनल नहीं हो जाएगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमेशा रहती है, जैसे कि कोई एंजाइम है ना, तो ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के मेंटेन होने की वजह से यहाँ पे क्या बनती है, एक एक्टिव साइट बनती है जहां पर कोई भी सब्सट्रेट आके जुड़ जाता है। ये सब्सट्रेट है और ये एंजाइम है, जब सब्सट्रेट यहाँ पे आके जुड़ेगा तो हो सकता है मे बी एक से ज्यादा सब्सट्रेट जुड़ जाएंगे, चले मैं एंजाइम को मतलब दूसरा आपको समझाने के लिए कि मैंने बोला कि एंजाइम जो है उसके अंदर क्या होता है, अपना एंजाइम होता है किसका बना, प्रोटीन का ही बना होता है। तो उससे ये थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बने, दो साइट बनाई एक्टिव साइट, जिसमें यहाँ पर क्या बना सब्सट्रेट वन आके जुड़ा और यहाँ सब्सट्रेट टू, फिर ये आपस में बॉन्ड बनाकर इन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये यहाँ पर आकर एक्टिव साइट पे कब जुड़ पाए, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ने क्या किया, अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया कई तरह के बॉन्ड बनाकर, जिसकी वजह से इन्होंने एक्टिव साइट क्रिएट की। एक्टिव साइट और कुछ नहीं होता, एमिनो एसिड की कोई छोटी सी सीक्वेंस ही होती है जो बताती है हाँ ये सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, उसकी एक्टिव साइट है। तो ये फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिसाइड होती है बाय द टर्शियरी स्ट्रक्चर। चलिए क्वार्टरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जब कई तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की दो आपस में बॉन्ड बनाते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए आपस में जुड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कुछ जो है हम ये बोलते हैं कि अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं और कुछ जो है वो अपनी क्वार्टरी स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चार स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो सकती है प्रोटीन की, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सबकी होगी, सेकेंडरी अगर कोई है तब भी उसकी प्राइमरी है, टर्शियरी अगर कोई प्रोटीन है स्ट्रक्चर वाला तो उसकी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, और क्वार्टरी स्ट्रक्चर वाला अगर कोई प्रोटीन है तो उसकी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जरूर होगी, ठीक है। तो ये चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया डायग्राम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब याद रखिएगा किसके बीच में कितने बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स के लिए अल्फा केराटिन, ठीक है, जो हेयर वगैरह में जो प्रेजेंट प्रोटीन होती है, मायोसिन मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हैं, फाइब्रिन, ये जो है ये सभी क्या है, ये सभी अल्फा हेलिकल, हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल जो प्रोटीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए वो इनमें वो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। बीटा शीट यूनिडायरेक्शनल किसमें मिलती है, बीटा कैरेटिन, बीटा कैरेटिन जो है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के स्केल्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। वाई डायरेक्शनल बीटा शीट जो किसमें मिलती है, फाइब्रोइन स्पाइडर नेट जो होता है फाइब्रोइन प्रोटीन होती है उसमें, और सिल्क जो सिल्क फॉर्म से भी सिल्क मिलती है उसमें। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है उसके लिए हमारे पास में एग्जांपल है मायोग्लोबिन एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है, और मायोग्लोबिन जो है वो एक्चुअल में मसल्स के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट है, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और इसकी एफिनिटी मायोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, तो इनकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। क्वार्टरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल है इंसुलिन जो कि क्या है, एक हॉर्मोन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसी के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन है ना जो कि प्रतिरक्षी होती है ना, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप करती है, तो ये सभी क्या है, क्वार्टरी स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन। तो ये एग्जांपल याद रखिए, कभी कभी इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बट इन सब की प्राइमरी स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए ये एक टेबल दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, टाइप ऑफ प्रोटीन लिखे और इनके फंक्शन लिखे, क्योंकि प्रोटीन कई तरह के काम करती है, जैसे कि ब्राउन सब्सटेंस बनाती है कनेक्टिव टिश्यूज में, वहां कोलेजन प्रोटीन है, ट्रिप्सिन जो कि एक तरह का एंजाइम है ना, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन, राइट। इंसुलिन हार्मोन है, ग्लूकोज का ब्लड के अंदर लेवल जो होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं, बिल्कुल फाइट करते हैं अगेंस्ट, यानी डिफेंस मैकेनिज्म भी करते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं स्मेल स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, सेंसरी जो होते हैं ये भी प्रोटीन ही है। ग्लूटफोर ये चैनल क्रिएट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, सेल के अंदर। तो ग्लूटफोर जो है वो भी क्या है, प्रोटीन है, और याद रखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपके पिछले साल, राइट, यहाँ से वो क्वेश्चन आया है। चलिए तो ये हो गया टाइप ऑफ प्रोटीन। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। हमने अमीनो एसिड पढ़ा, अमीनो एसिड से लिंक प्रोटीन पढ़ा, मेरी इच्छा ये थी कि मैं आज आपको एंजाइम पढ़ाऊँ, बट मुझे लगता है कि एंजाइम
कंफ्यूजन बहुत रहता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होती है, तो हम उसको कल अच्छे से टाइम देंगे। आज के दिन हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तक ही हमारा टॉपिक करेंगे, बायो मॉलिक्यूल को हम 2 दिन करेंगे, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो सके। प्लीज जितनी भी टेबल्स है उनको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन को, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मैं बना देती हूँ सीई ग्लूकोज का डायग्राम, अगर बनाए क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, 1 2 3 4 5 6, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्लूकोज जो होता है। तो इसके अंदर थर्ड पोजिशन पे यहाँ एच है, यहाँ पे ओ एच है, बस ये ध्यान रखिए। उसके बाद में एच एच ओ एच एच टू एच ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ एच एच, और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड है यानी सी एच ओ, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप रिप्रेजेंट है, ये ग्लूकोज का डायग्राम है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, कई सारे कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज का ये हम बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होती है, या फिर कीटोन, कीटोन का अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, ये क्या है आपका डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर ग्लूको आप जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हो ना ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, तो वहां पे बनते हैं ये इंटरमीडिएट के रूप में, बीच में मिडल में बनते हैं ये। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, इसका एक एग्जांपल है। तो ये इनमें या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की या कीटोन की होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की होती है। ये आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हम इसको और डिटेल में यहाँ पे नहीं लेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट के अंदर, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो कि एक माइक्रोमोलिक्यूल है, मोनोसेकेराइड का फर्दर डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन के तौर पर समझे तो इनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ग्लूकोज का आगे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है, अगर डाइजेशन के प्रोसेस में अगर हम जाए। वैसे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं ना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बनता है, वो अलग बात है, ठीक है, वो तो रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। मैं अगर डाइजेशन की बात करूँ तो ग्लूकोज का फर्दर डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई एंजाइम जो है वो इसका डाइजेशन नहीं कर सकता। तो वैसे ही तो मोनोसेकेराइड जो है इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, फर्दर डाइजेशन नहीं होता। मोनोसेकेराइड जो है ये एक्चुअल में मोनोमर यूनिट होते हैं किसकी, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड की, यानी इनसे और इनके बीच में जो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कई सारे हम ये बोलते हैं कि मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर एक लंबी चेन अगर बना लेते हैं तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोल देंगे। उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी मोनोसेकेराइड के बारे में बात करें तो मोनोसेकेराइड जो है उसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कि उनमें कितने कार्बन है। जैसे कि ट्रायो शुगर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 3, यानी फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके अंदर, राइट। चलिए, वाटर एंड ऑक्सीजन का रेशो जो है 2:2 बनता रहता है, जैसा जैसा वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है वही रेशो हमें यहाँ देखने को भी मिलता है, बट ये सबकी केस में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ऐसा कैसे याद रख लेना कि ऐसा ही होता है हमेशा, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट इतना डिटेल नहीं है तो हम इतना डिटेल में नहीं चाहिए। चलिए, ट्रायोड शुगर जो है उसका एग्जाम्पल है एल्डिहाइड के लिए ग्लिसरेडिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दोनों ही ग्लाइकोलिसिस के अंदर मिडल के अंदर इनका फॉर्मेशन दोनों का ही होता है। टेट्रो शुगर यानी कि जिसमें कार्बन जो है वो कितने हो गए, 4, एग्जाम्पल है इथ्रोज एंड एथ्रुलोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पेंटोज शुगर के लिए एग्जाम्पल है राइबोज, जाइलोज, अरेबिनोज और कीटोन। अगर इसकी पेंटोज शुगर की अगर हम देखें तो राइबुलोज होती है। पेंटोज का मतलब ये होगा जिसमें कार्बन कितने हो गए, 5, फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H10O5, ये फॉर्मूला प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोज, जाइलोज, अरेबिनोज है। राइबोज आपको मालूम है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए में प्रेजेंट है। जाइलोज जो है वो हेमिसेलुलोज का पार्ट होता है, हेमिसेलुलोज जो प्लांट है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अरेबिनोज जो है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं तो मीडियम के अंदर भी यूज करते हैं, गम अरेबिका जो है वो हमें मिलता है अरेबिनोज। राइबुलोज जो है वो एक्चुअल में हमें बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन करते हैं, तो जो यहाँ पे राइबुलोज बिस्फोस्फेट भी आपने पढ़ा होगा, जो एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, यही राइबुलोज जो है आगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो राइबुलोज आप वहाँ पे शुगर के बारे में पढ़ते हैं। हेक्सोज का मतलब हो गया कार्बन कितने हैं उसके अंदर, 6, इसके अंदर एग्जाम्पल है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। एक्चुअल में ये तीनों के तीनों जो है ये एक दूसरे के ही, हम ये बोलते हैं कि सिर्फ कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से बनते हैं। तो ये तीनों आपस में ही, क्या अगर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है।
ये ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज आप जानते हैं, ग्लूकोज जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर है, सबसे तो ज्यादा मिलती है। मैनोज की बात करेंगे तो मैनोज वही हेमिसेलुलोज का पार्ट है। गैलेक्टोज जो है ये भी आगे हम ये बोलते हैं सेलुलोज जो है उसका फॉर्मेशन करता है, वही जो बोलते हैं सेलुलोज का पार्ट है। फ्रक्टोज जो सबसे हम ये बोलते हैं कि जो फ्रूट शुगर होती है, फ्रक्टोज जो है उसमें कितना ग्रुप होता है, फॉर्मूला वही सिमिलर है। हेक्टोज जो है जिसमें कार्बन कितने होंगे 7, इसके एग्जाम्पल है सिलो हेक्टोज एंड सिलो हेक्टोज। ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड्स के हम ये बोलते हैं कि कुछ एग्जांपल्स है, तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। चलिए ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनके बीच में जो है हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, मान लीजिए कि ये एक हम बोलते हैं कि शुगर है, ठीक है, और ये बॉन्ड बना लिए किसके साथ में, तो इनके बीच के अंदर वही वाटर का रिमूवल होगा, डिकंडेंसेशन हम बोल सकते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन होगा, कंडेंसेशन होगा या फिर डिहाइड्रेशन होगा, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एंड बॉन्ड फॉर्म होगा किसके बीच में, हम ये बोल रहे हैं कि दो शुगर के बीच में। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो इस बॉन्ड फॉर्म बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी किस तरह का है ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से कार्बन के बीच में हो रहा है। जैसे भी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये अल्फा है ये बीटा है, ये डिसाइड किससे होता है, ये डिसाइड होता है कि किस तरह की शुगर है, क्योंकि शुगर जो होती है वो एक्चुअल में अल्फा या बीटा हो सकती है। अल्फा और बीटा जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होती है उसकी हम ये बोलते हैं कि कंडीशन पोजिशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये पाइरेनोज और प्यूरेनोज जो है उस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जो हेक्सो शुगर होती है, आपकी हेक्सो शुगर होती है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है कार्बन नंबर 1 पे, वो अगर 10 के नीचे है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अल्फा, अगर ऊपर है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज हम अल्फा एंड बीटा जो है वो इसकी दो हम बोलते हैं कि फॉर्म जो है बन सकती है। ठीक है, एनोमर्स जिसको हम बोलते हैं, तो अल्फा है तो यहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अगर बीटा के बीच में बन रहा है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो कौन पोजिशनिंग क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेन के नीचे है या प्लेन के ऊपर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं किसके बीच में, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड फॉर्म करने के लिए। अब देखिए डाइसेकेराइड जो है वो क्या है, ओलिगोसेकेराइड है, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है तो उसको ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं, उसी के टाइप है। डाइसेकेराइड किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है माल्टोज, माल्टोज के अंदर क्या होते हैं, दो ग्लूकोज होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं जिससे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ट्री हेलोज इंसेक्ट जो हिमोलिम्फ होता है उसके अंदर प्रेजेंट शुगर होती है ट्री हेलोज, इसमें भी ग्लूकोज ही है दोनों, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी दोनों ही ग्लूकोज के, हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 के बीच में ही, दोनों के कार्बन नंबर 1 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सेलोबायोज जो है वो भी सेम ही है, दो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो है वो कौन सा बन रहा है, बीटा 1,4 बन रहा है, जबकि माल्टोज के अंदर कौन सा बन रहा था, अल्फा 1,4। ठीक है, लैक्टोज जो कि मिल्क की शुगर होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रोज एंड एक ग्लूकोज, डाइसेकेराइड है ना ये, तो डाई का मतलब होता है दो, इसके अंदर क्या होती है मोनोसेकेराइड। तो गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड सिमिलर है सेलोबायोज से। ठीक है, बट बन रहा किसके बीच है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के बीच में। सुक्रोज जिसको केन शुगर बोलते हैं, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हम ये बोल रहे हैं कि के बीच में बीटा अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लूकोज जो है वो अल्फा है जबकि फ्रक्टोज बीटा है, और उसके 1 एंड 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए उसको बोला अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज जो होता है हम ये बोलते हैं कि इसको सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर आप डाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब वो पॉलीसेकेराइड जो होता है उनका डाइजेशन होता है तो उसके बाद में हमें ये कुछ डाइसेकेराइड नहीं मिलते, जैसे कि माल्टोज मिलता है, लैक्टोज मिलता है, सुक्रोज जो है इसका फॉर्मेशन होता है, देन इन द फर्दर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो अगर आपने ये वहां पे पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं ये ध्यान रखिए, ट्राइसेकेराइड यानी कि 3 मोनोसेकेराइड यूनिट जो है उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एग्जांपल है रेफिनोज जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल फॉर द ऑलिगोसेकेराइड। नाउ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर हम बोलते हैं कि मोनोसेकेराइड की लंबी चेन होती है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो हम बोलते हैं 200 से लेकर 2,000 तक ग्लूकोज जो है जब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो स्टार्च फॉर्मेशन हो जाता है। स्टार्च एक तरह का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, राइट। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये हम इनके बारे में बात करते हैं, इनकी वही मोनोमर यूनिट जो होती है वो मोनोसेकेराइड होता है। ये जो है सिमिलर
ये मोनो, हम ये बोलते हैं ये होमोपोलीमर भी हो सकते हैं और ये हिट्रोपोलीमर भी हो सकते हैं। होमोपोलीमर का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए कि ग्लूकोज 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 इस तरह से एक लंबी चेन बन जाती है जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, तो ये जो है इस तरह के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, होमोपोलीमर। तो पॉलीसेकेराइड होमोपोलीमर भी हो सकते हैं, हिट्रोपोलीमर यानी कि जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो है आप मोनोसेकेराइड जो है मिलकर एक एक पॉलीसेकेराइड जो है उसका फॉर्मेशन करती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हिट्रोपोलीसेकेराइड है। ठीक है, तो दो तरह के हो सकते हैं, होमोपोलीसेकेराइड एंड हिट्रोपोलीसेकेराइड। अब बात करते हैं होमोपोलीसेकेराइड की, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि स्टार्च है वो क्या है, होमोपोलीमर है। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन क्या है, होमोपोलीमर है। इन्यूलिन की बात करेंगे तो वो भी क्या है, होमोपोलीमर है। फ्रक्टोज जो है उसकी लंबी चेन बनती है इन्यूलिन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे होमोपोलीमर है। तो हिट्रो की बात करें तो हिट्रो में कौन आएंगे, एगार एगार आएगा, हेमिसेलुलोज आएगा। ठीक है, हेमिसेलुलोज में तो जाइलोज मेनोज राइट, ये हम ये बोलते हैं कि गैलेक्टोज, ये सभी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो हेमिसेलुलोज जो है वो एक हिट्रोपोलीमर है, म्यूसिलेज हिट्रोपोलीमर है राइट। ये कुछ एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, इसलिए हमने उसी टेबल को उठाया है, उसको और डिटेल में हम लोग नहीं लेके जा रहे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जैसे कि स्टार्च है, ये क्या है, ये प्लांट के अंदर हम बोलते हैं कि इसी फॉर्म के अंदर अंदर फूड जो है वो स्टोर रहता है। स्टार्च जो है वो एक्चुअल में ग्लूकोज का हम बोलते हैं होमोपोलीमर है। ग्लाइकोजन भी क्या है, वही ग्लूकोज का होमोपोलीमर है, बस इसमें ब्रांच चेन होती है, ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांच चेन नहीं होती है। ग्लाइकोजन जो है इस फॉर्म के अंदर एनिमल्स के अंदर जो है वो हम बोलते हैं फूड स्टोर होता है। इन्यूलिन जो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, ये हमें डेलिलिया से मिलता है। इन्यूलिन फ्रक्टोज का होमोपोलीमर है। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है, प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। काइटीन फंजाई जो होती है, तो फंजाई के अंदर जो उनकी सेल वॉल होती है वो काइटीन की बनी होती है। ये एक्चुअल में पॉलीमर किसका होता है, ये नाग का पॉलीमर है। एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन इसका ये पॉलीमर होता है काइटिन। तो हम ये बोल रहे हैं कि काइटिन जो है वो एक्चुअल में किसमें प्रेजेंट है, काइटिन के एक तो वॉल प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ऑर्थोपोड्स के अंदर, दूसरा फंजाई की सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की। पेप्टिडोग्लाइकेट जो कि प्रेजेंट होता है किसकी, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, दैट इज आल्सो शुगर, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन तो वैसे एक्चुअल में शुगर पोर्शन होता है इसका, इसके अंदर तो पेप्टाइड चेन भी होती है, टेट्रा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है चार। इसके अंदर हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, वो एलानिन है ना, और कौन सा होता है, एल एलानिन, डी एलानिन, बी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, ये चार उसके अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो उसका पेप्टाइड पोर्शन करते हैं। ग्लाइकेन पोर्शन जो होता है उसके अंदर नाग और नाम प्रेजेंट होता है, एनएसिटाइल ग्लूकोज एमिन एनएसिटाइलमिनोमिक एसिड, इसीलिए तो उसको म्यूरिन भी बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन को, क्योंकि उसमें म्यूरिनिक एसिड प्रेजेंट है। तो यही दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन को बनाते हैं, यानी कि ये प्रोटीन प्लस शुगर है। ठीक है, बट उसके अंदर नाग एंड नाम की भी लंबी चेन होती है, इसलिए हम उसको पॉलीसेकेराइड में काउंट कर रहे हैं। तो ये सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है किसके, बैक्टीरिया के। तो ये जो टेबल दी गई है या आपके एनसीईआरटी में दी है, तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे, डेलीलिया से हमें क्या मिल रहा है, कौन सी ऐसी है जो हम ये बोल रहे हैं कि प्लांट और कॉटन फाइबर्स के अंदर पेपर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट है ये। काइटिन किस किस में प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन किस में प्रेजेंट है, स्टार्च किसके, स्टार्च आपको पता है ना ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कप्पल शेप भी होते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी होते हैं, कॉन्सेंट्रिक जैसे कि पीछा पोर्शन को हाइलम बोलते हैं, इस तरह से इसमें स्टार्च जो है इसकी ज्यादातर इस तरह से क्या हो जाते हैं, स्टोर होता है। तो ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टार्च जो है स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हो गया, डंबल शेप होगा तो क्या हो जाएगा, डंबल शेप इस तरीके से डंबल शेप भी प्रेजेंट हो सकता है, बीच में इसका प्रोटीन पार्ट ये है इसको हाइलम बोल देते हैं, तो ये डंबल शेप भी होते हैं है ना। तो स्टार्च जो है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म के अंदर प्लांट्स के अंदर फूड जो है उसको स्टोर करता है। तो देखिए ये हो गया पॉलीसेकेराइड के बारे में, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम छोटा सा सेक्शन ही लेंगे, अमीनो एसिड हमने पढ़ाया, प्रोटीन हमने पढ़ाया और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, तो इतना ही पोर्शन बायोमोलिक्यूल का आज हम पढ़ेंगे, और इन्हीं से रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी आपको फॉलो अप में दिए हैं। तो प्लीज फटाफट से जितने भी फॉलो अप आपको दिए गए हैं उनके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चले आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जितना हम बोलते समराइज करके मैं आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ, और जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि नीट 2020 पे डायरेक्ट हम ये बोलते हैं कि फोकस कर सके, इधर उधर बहुत सारी चीजों की तरफ दिमाग खपाने से बेटर होगा एक ही तरफ हम अपना ध्यान जो है उसको लगाए। ठीक है, तो आज के लिए हमारे फॉलोअप क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आंसर बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो एनसीईआरटी और आपके आज के वीडियो पर भेज दी है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन मैंने फिर से दिया है और हर बार दूंगी, बिल्कुल दूंगी, ताकि आप लोग फोकस करें एनसीईआरटी के डायग्राम।
मुझे आंसर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के लिए। मैंने आपको इन्फॉर्म इसीलिए कर दिया है, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम दो दो पार्ट में करेंगे, ठीक है? तो फॉलो करते रहिए मेरी वीडियोस को, कल मिलते हैं, बाय बाय।